मड़ा देखो इस साल फर्मिडो कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। हाँ मड़ा, इस साल तो ये लॉकडाउन में ना गंदगी है, देखो इधर देखो देखो। पिछले साल हम आए थे तो पाकिस्तानी सारे इधर शोर मचा रहे थे, इस साल देखो खता कसम इतना खूबसूरत है। कमरान भाई, आप लोग किस इलाके के है ना? कमरान भाई, इसको ना ऐसे ही रखो ना, कारोबार तुम लोगों का चलेगा, पाकिस्तानी भी आएंगे इधर, इंटरनेशनल भी आएंगे। बिल्कुल आएंगे। और इस साल जो डोमेस्टिक नहीं आया है, देखो कितना खूबसूरत है आप लोगों का इलाका, इतना सफाई में है, क्या ख्याल है निजाम? बिल्कुल सर, जब आपको याद है मैं और आप गए थे बेस कैंप, रास्ते में कितना कचरा पड़ा था उधर, बिल्कुल न डस्टबिन है, न डस्टबिन। हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? हम आपको एक कहेंगे कि एक पत्थर के डस्टबिन बनाओ रास्ते में तो अच्छा रहेगा, लोग आएंगे उनको समझाओ, पॉइंट रखो उधर, रखने के बाद एक पोस्टर लगाओ जिसमें लिखा जाएगा कि सफाई इधर मिस्टर ऐमान जैसा है, तो ऐमान भी है, सफाई सही तरीके से रखना है। और इस साल देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग यार डस्टबिन बनाओ, लेकिन डस्टबिन मेरे ख्याल में वो कामयाब नहीं होंगे, आपको पता है। नहीं, पत्थर के डस्टबिन बनाए ना निजाम, वो तो है सर, बिल्कुल है, लेकिन गवर्नमेंट वो है डस्टबिन वगैरह दे ही ना इधर, तो फिर अच्छा। कमरान भाई, डस्टबिन वगैरह आप लोग आ गए डी सी या जो टूरिज्म ऑफिस है उसके पास जाके रिक्वेस्ट की आप लोगों ने? बिल्कुल सर, बिल्कुल। के रायकोट ब्रिज से लेके बेस कैंप तक हमें डस्टबिन की जरूरत है। बिल्कुल है सर, रायकोट ब्रिज से नंगा पर्वत बेस कैंप तक हमें वॉशरूम से की जरूरत है। बिल्कुल, ये बात आपने सही कहा, रास्ते में हम काफी डिस्टर्ब हो गए, आपको पता है नीचे जीप स्टॉप से लेके फेरी मेडो तक हमें कम से कम 7 से 8 वॉशरूम चाहिए, क्योंकि लेडीज ज्यादा आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, डोमेस्टिक हमारे पास ज्यादा आ रहे हैं, उसी वजह से फेरी मेडो से लेके नंगा पर्वत बेस कैंप तक हमें कम से कम 5 से 6 वॉशरूम की जरूरत है। पानी हमारे पास अवेलेबल है, हर जगह में पानी है, हमने देखा है, पानी ही पानी है। तो उसी हिसाब से हमने एनजीओ वालों को इनवाइट किया है कि भाई हमारा ये काम कर, एनजीओ वालों से गवर्नमेंट आपकी यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं करती है? नहीं नहीं, गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई हाथ नहीं, हम खुद कर रहे हैं। अच्छा। ये रोड हमने खुद बनवाया है अपना जंगल बेच के। अच्छा जी जी, सही सही सही। रायकोट ब्रिज से लेके फेरमेडो तक ये रोड हमने खुद बनवाया है अपना जंगल बेच के। सर कमरान साहब, हम 2014 में आए थे, जंगल इतना मतलब बहुत ज्यादा था, इतना कटा हुआ नहीं था, इस साल बहुत ज्यादा कटा हुआ है। आप देखें ये तो जंगल के साथ खिलाफवर्जी कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो फिर हमारी लोकल कमेटी काम कर रही है इस वक्त, चंसे वगैरह है, मशीनें वगैरह, उनको हमने प्लग किया है। बिल्कुल, काम इस साल नहीं होगा, दफा लग गया है, दफा लग गया है। बिल्कुल, हमारा काम होगा सितंबर से लेके अक्टूबर की एंड तक, हमारा 2 महीना काम होगा। बिल्कुल, अप्रैल से लेके मार्च तक हमारा 2 महीना हमारा काम होगा, उसके बाद हमारे मशीनें वगैरह ऑफ होंगे। क्लोज कर। तो आप लोग डेटफॉलन यूज करते हो या? डेटफॉलन यूज कर रहे थे अभी तक, तो डेटफॉलन यूज कर रहे थे, डेटफॉलन खत्म हो गया है। बिल्कुल, तो अभी जरूरत के मुताबिक हम काट रहे हैं। अभी डेटफॉलन भी मेरे ख्याल में नहीं मिल रहा, नहीं है, नहीं मिल रहा, इस टाइम नहीं मिल रहा, नहीं है ना, नहीं है। सही कमरान भाई। अच्छा, ये ग्लेशियर में इस साल मल्टिंग ज़्यादा हुआ? हाँ ये, अच्छा सर, इस साल ग्लेशियर काफ़ी ज़्यादा मल्टिंग हो गया? जी जी, ये साल में तकरीबन 5 से 6 फीट पीछे जा रहा है, मल्टिंग होता जा रहा है। अच्छा। पहले था ये तकरीबन, ये मिड वे जो नहीं है, अच्छा मिड वे होटल देखा है, मिड वे होटल से यहाँ तक पिघलता हुआ यहाँ आया है। बिल्कुल, तो ये पिघलता जा रहा है, इसके अंदर चीज़ें मिलती है जो फॉरनर आके क्लाइंबिंग के लिए आते हैं, वो जाके हवा भी लेकर आता है, ग्लेशियर ऊपर आके जैसे अवलांच हो गए, अवलांच आती है, अवलांच की वजह से मरते हैं तकरीबन 45 लोग, 45। तो आपका आपका कहना है कि उधर मिलता है सामान, है सामान ग्लेशियर के अंदर मिलती है? तो सामान क्या, कौन सी सामान मिलती है उसमें? मुझे मिला था क्रम्पन्स के साथ कुछ शूज मिले हैं, ग्लव्स मिले हैं, अच्छा कुछ डेड बॉडीज मिले हैं, बहुत सारे दांत भी मिले थे, एक की खोपड़ी भी मिली थी मुझे,
रस्सी का पूरा मैंने एक बंडल लेकर आया था उसी टाइम का। जी जी उसी ये 1965 के पास आई थी। उसके बाद मुझे मिला एक कैमरा मिला था बहुत पुराना जो रील्स वाला बहुत पहले यूज कर रहे थे एक वो भी मिला था एक चाबी के साथ वो ताला भी मिला था। ये सब चीज़ें मैंने लेकर आया हूँ मैंने हाल में रखा है। और कमरान भाई ये फेरीमेडोज की एक स्टोरी मैंने पढ़ा था जिसमें लिखी थी कि सबसे पहले यहाँ पे आबादी नहीं थी उस टाइम यहाँ पे परियां भी रहती थी जिन वगैरह बहुत सारे कुछ चीज़ें होती थी। जी हाँ ये तकरीबन 100 साल पहले की कहानी 105 साल पहले की कहानी हमारे परदादा वगैरह इधर रहा करते थे उस टाइम परियां भी होती थी जिन वगैरह भी जाते थे। एक बार बरबंडू के नाम से एक आदमी जैसा एक भाई ये बरबंडू क्या है वो एक आदमी जैसा एक यहाँ का वो है यार इंसान को भी खाता है माल मवेशियों को भी खाता है उसका नाम है बरबंडू उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आई थिंक मुझे पता नहीं। तो निज़ाम ये रास्ते में तो नहीं मिलता है ना ये बरबंडू नहीं मिल अकेला में मिलता है यार दो अभी तो दो है नहीं मिलेगा ना हमने तो कल आगे जाना है भाई ना भाई ऐसा ना कहो कि हम उधर जाके पट 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 मरे लोकल गाइड देंगे आप। अच्छा ठीक है तो आपकी तो मैंने फेसबुक में पढ़ा था आप तो बड़े गाइड हैं तो आप भी करते होंगे ना। ओहो अच्छा 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 सही 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 कमरान भाई सही। और और अच्छा लगा यार आप लोगों के इलाके में इधर बहुत सारे लड़कों से हम मिले हाथ मिला के हैं ऐसे आप जब इस्लामाबाद आएंगे ना तो कोई भी तुमसे हाथ ऐसे नहीं मिलाएगा खुदा का कसम नहीं मिलाएगा क्यों कोरोना है आगे इधर हम आए कसम अल्लाह की कि हम अपने घर में ऐसे बहुत खुशी हुई ना, बहुत खुशी हुई हमें बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर थैंक यू वेलकम यू वेलकम सर आई अप्रिशिएट यू ओके।